सो यहाँ पे हमें जो प्रीशेट करना था वो हमने ख़त्म कर लिया है। एम्प भी असाइन कर लिए हैं अलग अलग। यहाँ पे जो सेटिंग है इसको हमने दो भाग में लिया है, टू इनपुट थ्री आउटपुट, इसको दो फेज में लिया है। अभी जो ऑडियो है आप बहुत दूर से सुन सकते हैं। कितना दूर से ऑडियो बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है, आप हेडफोन लगा के सुनिए। लगभग अभी हम 500 मीटर के आसपास है, मतलब 400-500 मीटर तो होगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आगे हम इस तरह की और भी कई जगहों पे जाएंगे जहां पे हमें सेटअप ट्यूनिंग के लिए बुलाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। और आज के इस वीडियो में हम एक जगह पे आए हुए हैं एक सेटअप का ट्यूनिंग करने के लिए, जिसका ट्यूनिंग ऑलरेडी हमने 7-8 महीने पहले किया हुआ था, लेकिन उसमें और थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। उनको और थोड़ा सा रेंज चाहिए कुछ पार्ट में, तो आज के इस वीडियो में हम उनका टेस्टिंग करेंगे और ट्यूनिंग करने के बाद आपको भी डिटेल शेयर करेंगे किस तरह का हमने उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया है। एंड में हम सारे कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज डीएसपी में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो सब भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, सेटअप का ट्यूनिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये है वो सेटअप। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं सब कस्टमाइज है, तो कुछ कंपनीज के भी नाम है इसमें, तो उसको आप कंसीडर मत कीजिए। बाकी इसमें सारे अलग अलग स्पीकर्स लगे हुए हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी का नेम वो मेरा नहीं है, वो पार्टी जिन्होंने ये सेटअप रेडी किया है उनका है। तो यहाँ पे जो सेटअप में लगा है ये 2000 वाट के हैं, चेंज वॉइस कॉइल एरॉन्स के। मॉडल नंबर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अभी इस रो का ही प्रॉब्लम था, थोड़ा सा वाइब्रेशन कम आ रहा था, हो सकता है कुछ एम्पलीफायर का कनेक्शन इन्होंने बदला था तो इस वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे 1500 वाट श्वेटन के इसमें और इसमें, इसके ऊपर भी एक रो है जो है पी ऑडियो 2242। और इसके बाद जो लाइनर है वो सिंगल लाइनर है, हार्ट लाइनर है, एक ही एम्पलीफायर के ऊपर चल रहा है, 16 ओम्स का स्पीकर है। और इसके बाद यहाँ पे जो साइलेंट पावर डी है वो अशोक लेलैंड की तरफ से है, 35 kVA का। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये इस मिक्सर से चला रहे थे, तो अभी हम इसमें भी टेस्टिंग करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे DBX ड्राइव रैक 260 जिसका हमने प्रीसेट किया था, और ये इक्विलाइजर जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, वो चलाएंगे नहीं हम। और इसके ऊपर जो एरॉन्स के स्पीकर हैं उसको पहले हम चलाएंगे, और हो सकता है फिर इन दोनों एम्पलीफायर के ऊपर चलाएंगे, अलग अलग ट्राई करेंगे, और उसके बाद जिसमें अच्छा रेंज रहेगा उसमें चलाएंगे। ये जो स्ट्रेंजर का है 4K, इसके ऊपर लाइनर चल रहा है, और इसके बाद इसके ऊपर चलाया जाने वाला है वहाँ पे जो है 2242 पी ऑडियो का। और ये जो है अगर हम इसके ऊपर 2000 वाट चलाते हैं देन इसके ऊपर स्वेटन 4 चलाएंगे और इसके ऊपर स्वेटन 4। तो इतना ही सेटअप है, जो भी डिटेल्स रहेगा वो मैं आगे आपको शेयर करता रहूँगा। अभी हम इसको मतलब जैसा सेटिंग है पहले से वैसे ही सुन रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे उसके हिसाब से।
अभी तक आपने जो ऑडियो सुना वो एक्चुअली जो पहले का प्रीशेट था उस प्रीशेट का, जिसमें पंच पार्ट तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ख़राब आ रहा है, क्योंकि इन्होंने वाइब्रेशंस के लिए जो 2000 वाट के स्पीकर्स हैं उसको MT-1601 के ऊपर ये चला रहे थे, जो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, क्योंकि उतना पावर आउटपुट MT-1601 तो नहीं कर पाएगा, कम से कम उसके आसपास जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो अभी हम इसको Beta 3 DT 8004 के ऊपर चलाएंगे, उसमें चलाने से हमें मतलब कम से कम उस लेवल तक हम अचीव कर सकते हैं जिसके लिए हम वाइब्रेशन ढूंढते हैं, तो उतना आउटपुट तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम फिर इसको दोबारा सुनेंगे और एंड में जो भी चेंजेस मैं करूँगा उसके बारे में आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें अभी जो हम चेंजेस करेंगे उसका पहले हम एक टेस्टिंग सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हमें जो प्रीशेट करना था वो हमने ख़त्म कर लिया है, एम्प भी असाइन कर लिए हैं अलग अलग। यहाँ पे जो सेटिंग है इसको हमने दो भाग में लिया है, 2 इनपुट 3 आउटपुट, इसको दो फेज़ में लिया है। रीज़न ये है कि हमें अलग अलग सबवूफर्स के लिए अलग अलग रेंज सेलेक्ट करना था, तो उस वजह से। अगर आप यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर सेटिंग में जाके देखें तो क्रॉस ओवर सेटिंग में यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो हमने वाइब्रेशन के लिए असाइन किया है, और यहाँ पे लाइनरे के लिए हमने 90 हर्ट्ज से स्टार्ट किया है, जिसको मैक्स लेवल तक रखा है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज। और उसके बाद थर्ड रो में हमने थर्ड वाला जो है आउटपुट, उसमें हमने वाइब्रेशंस के लिए नीचे वाला जो एरॉन्स के स्पीकर है 2000 वाट के, उसके लिए असाइन किया हुआ है। और 4 और 5 जो है इसको हमने स्वेटन के स्पीकर जो 8 चल रहे हैं मिडिल रोज में, तो उनके लिए असाइन किया है। लगभग हमने 115 हर्ट्ज तक उसका सेटिंग्स रखा है। और यहाँ पे 6 वाला जो है वो जो पी ऑडियो का स्पीकर है उसको हमने 160 हर्ट्ज तक रखा है, ताकि हमें पंच पार्ट थोड़ा सा और भी अच्छा है। और इस सेटअप में थोड़ा सा पोलरिटी का भी प्रॉब्लम था, ये आपके लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका पोलरिटी का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इस सेटअप में था, तो उसमें इसलिए हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। कुछ फेज को इन्वर्ट करना पड़ा, कुछ नॉर्मल रखना पड़ा, तो ये आप अपने हिसाब से करेंगे। इस सेटअप में जो भी रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार मैंने फेस के ऊपर काम किया है। और इसके बाद अगर आप इसका EQ सेटिंग देखेंगे तो EQ सेटिंग में भी हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जैसे हमने जो वाइब्रेशंस का स्पीकर्स है उसको थोड़ा सा वाइब्रेशंस पार्ट जो है उसको थोड़ा सा अप किया है, ताकि थोड़ा सा हर जगह पर अच्छा साउंड सुनाई दे। और जो पंच के लिए असाइन किया है उसमें भी थोड़ा सा EQ किया है, पंच वाट को भी थोड़ा सा हमने बूस्टिंग किया है। तो इस हिसाब से अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अनुसार हमने थोड़ा सा EQ भी किया है। और ये ऑलमोस्ट अभी रेडी है, अभी इसका जो ऑडियो है हम बिल्कुल दूर से भी जाके सुनेंगे। इसका जो लिमिटर सेटिंग है उसमें हमने ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है, लगभग हमने +8 dB तक इसको छोड़ा है, ताकि अच्छे से वो मतलब आ जाए। और यहाँ पे जो बीटा 3 का DT 8004 है इसके ऊपर हम एरॉन्स के 4 सबवूफर हमने डाला, तो इसके साथ रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे में जो पी ऑडियो के लिए हमने टेक्नो 4 के ऊपर 4 चला रहे हैं, तो उसके साथ भी इसका पंच पार्ट भी मतलब बहुत ही सॉलिड आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पोप का और NX Audio MT-1601 है इसके ऊपर हम स्वेटन के 8 सबवूफर चला रहे हैं, तो ऑल ओवर ये रेडी है। इसका हम अभी टेस्टिंग करेंगे और बहुत दूर से भी जाके इसका ऑडियो को सुनेंगे। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
सो अभी जो ऑडियो है आप बहुत दूर से सुन सकते हैं, कितना दूर से ऑडियो बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है, आप हेडफोन लगा के सुनिए। लगभग अभी हम 500 मीटर के आसपास है, मतलब 400-500 मीटर तो होगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आगे हम इस तरह की और भी कई जगहों पे जाएंगे जहां पे हमें सेटअप ट्यूनिंग के लिए बुलाया जाता है। सो, अभी दोस्तों हमने इस सेटअप का ट्यूनिंग ख़त्म कर लिया है और काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 4-5 घंटे। रीज़न ये था उनके केबल्स में भी कुछ प्रॉब्लम थे और बाकी कुछ जो पोलैरिटी का प्रॉब्लम हो रहा था फेस में, तो उसको भी हमने बदला और अभी फ़िलहाल ये ऑडियो अच्छा आ रहा है। और इसके बाद हमने इनको सजेस्ट किया है केबल्स को बदलने के लिए, तो एक बार केबल भी बदल जाए तो और भी अच्छा आएगा। सो, आपको वीडियो कैसा लगा अब बिल्कुल कमेंट करके बताएं, आपको टेस्टिंग कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस तरह के और भी सेटअप टूअर्स और ट्यूनिंग देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।